आरआरआर फिल्म में खलनायक ब्रिटिश गवर्नर की भूमिका निभाने वाले आयरलैंड के अभिनेता रे स्टीवेंसन का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्टीवेंसन के प्रतिनिधियों ने एसोसिएट प्रेस को बताया कि रविवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। स्टीवेंसन का जन्म 1964 में लिस्बन में हुआ था। उन्होंने आरआरआर के अलावा थॉर और किंग ऑर्थर जैसे फिल्मों में भी अभिनय किया था। एक्टर को सफलता सन 1998 में आई फिल्म द थ्योरी ऑफ फ्लाइट से मिली। इस फिल्म में उन्होंने एक जिगोलो की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने पनिशर वॉर में अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया था। एक्टर साउथ की सुपरहिट फिल्म आरआरआर का हिस्सा भी रहे। इस फिल्म में बैडी की भूमिका निभाने के बाद स्टीवेंसन फिल्म एक्सीडेंट मैन हिटमैन हॉलीडे में काम कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने HBO और BBC के 22 एपिसोड में भी अभिनय किया। उन्होंने हाल ही में फिल्म 1242 में केविन स्पेसी को रिप्लेस किया है। फिल्म गेटवे टू द वेस्ट में उन्होंने मंगोल सेना के खिलाफ एक हंगेरियन पुजारी की भूमिका निभाई थी। अभिनेता को पनिशर वॉरजोन, किंग आर्थर और थॉर जैसी फिल्मों में अभिनय के लिए जाना जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बीबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।